हेलो दोस्तों, टेक इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर और आज हम इस वीडियो में देखेंगे नोकिया 130 की अनबॉक्सिंग रिव्यू और जानेंगे इसके कुछ फीचर्स। पर उससे पहले अगर आप टेक्नोलॉजी के दीवाने हैं तो आप जो है वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें ताकि आपको जो है ऐसे वीडियो अपडेट मिलते रहे। सो यहाँ मेरे हाथ में है नोकिया 130 का बॉक्स जो कि वाइट कलर का, और यहाँ पे आप देखें नोकिया 130 लिखा हुआ है और ये है वाइट कलर का बॉक्स है। और साइड में अगर हम देखें तो यहाँ पे नोकिया 130 डुअल सिम लिखा हुआ है। फ्रंट साइड में कुछ नहीं है और दूसरे साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड कलर का फ़ोन है अंदर और बाकी डिटेल्स लिखे हुए हैं। बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड में भी बहुत सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, कैमरा, ब्लूटूथ। सो चलिए बॉक्स ओपन करते हैं। बॉक्स ओपन करते ही यहाँ पे हमें रेड कलर का जो है नोकिया 130 का हैंडसेट मिलता है। और बॉक्स के अंदर देखते हैं तो बॉक्स के अंदर जो है यहाँ पे जो है हेडफोन है नोकिया का, और ये जो है 3.5 mm का जैक है। यहाँ पे अगर माइक की हम बात करें तो यहाँ पे कोई उसमें बटन्स नहीं दिए हुए हैं कि आप प्रेस करके कॉल रिसीव कर सको, वो डायरेक्ट है, उसमें कोई बटन्स नहीं है। चार्जर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे माइक्रो USB चार्जर है, ये देखें। और साथ ही साथ बैटरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैटरी भी है, और ये जो है ब्लैक कलर का है। यहाँ पे जो है साइड में नोकिया लिखा हुआ है, ये देखें। और mAh की बात करें अगर बैटरी की तो यहाँ 1020 mAh की बैटरी है। और इस बॉक्स में लास्ट जो होता है वो है क्विक गाइड है। सो इसे साइड में रखते हैं और यहाँ सेट देखते हैं। सेट में जो है सबसे पहले सबसे ऊपर लिखा हुआ है नोकिया। और कीपैड की अगर हम बात करें तो कीपैड जो है रबड़ का कीपैड है, देखिए काफ़ी खूबसूरत सेट है। यहाँ पे नीचे माइक दिया हुआ है, साइड में देखें तो काफ़ी कर्व सा शेप है। और बॉटम साइड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है हल्का सा गैप है बैक कवर ओपन करने के लिए। और टॉप की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऑडियो जैक है 3.5 mm का, टॉर्च है और माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट है। बैक साइड में अगर देखें तो हम यहाँ पे VGA कैमरा है, स्पीकर है। बैक साइड सेंटर की बात करें तो यहाँ पे जो है नोकिया का ब्रांड नेम है। सो चले यहाँ बैक कवर ओपन करते हैं और बैटरी लगाते हैं। सो ये ओपन हो गया। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे SIM 1, SIM 2 और यहाँ पे माइक्रो SD स्लॉट दिया हुआ है। तो हम इसमें माइक्रो SD कार्ड लगाते हैं। यहाँ पे SD कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 8 MB इंटरनल मेमोरी है और 32 GB तक इसमें हम मेमोरी लगा सकते हैं। और यहाँ पे सिम लगाते हैं SIM 1 में और फिर बैटरी लगाते हैं। सो सेट ऑन करते हैं। अब यहाँ पे सेट ऑन हो रहा है, ये देखिए नोकिया का ब्रांड नेम आ गया है। ये इसमें डिफ़ॉल्ट डेट एंड टाइम है, यहाँ देखें। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट फ़ोन है। फ़ोन की वेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 77 ग्राम का फ़ोन है। सो यहाँ पे मेनू में अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे पहले कॉल लॉग है, कॉन्टैक्ट्स है। कॉन्टैक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में हम जो है 500 कॉन्टैक्ट सेव कर सकते हैं। मैसेज है, रेडियो है, रेडियो में देखें यहाँ पे दे रहा है हमने हैंडसेट। जब आप हैंडसेट कनेक्ट करेंगे तब रेडियो ओपन होगा। यहाँ पे कैमरे की अगर हम बात करें तो कैमरा इसमें VGA कैमरा है। कुछ फोटोज क्लिक करके देखते हैं। ये यहाँ पे कैप्चर बटन भी है सेंटर में और ये मैंने कैप्चर किया, ये देखें। ठीक है, बेसिक फ़ोन है तो इसमें ऐसे ही कैमरा होगा, कुछ ज़्यादा है नहीं। लेकिन ये है कि आपका ये बैकअप फ़ोन है, आप जो है इसको जो है 25 दिन तक स्टैंड बाय में चला सकते हैं। और अगर टॉक टाइम की अगर इस फ़ोन की बात करें हम तो यहाँ पे 22 घंटे तक टॉक टाइम है इस फ़ोन का। डिस्प्ले साइज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है 1.8 इंच का डिस्प्ले है। यहाँ पे इसके बाद हमें एक गेम मिलता है, गेम में देखें बहुत सारे गेम्स हैं। सो यहाँ पे स्नैक गेम सबसे पुराना गेम है ये, पर ये अब कलरफुल आने लगा है।
पहले नोकिया 3310 में ये ब्लैक एंड वाइट आता था, अब ये कलरफुल हो गया है। ये देखें, ये फ़ोन तीन कलर में अवेलेबल है, रेड, ब्लैक एंड वाइट। सो यहाँ पे देखें गेम के बाद अगर, तो यहाँ पे फ़ोटोज़ हैं, यहाँ पे इमेज है कैप्चर जो मैंने किया था, फ़ोटोज़ वो देखें, इसमें कुछ मेमोरी कार्ड की फ़ोटोज़ भी शो हो रही हैं। ये देखें, ये मैंने कुछ देर पहले अभी इसी फ़ोन से क्लिक किया था। सो उसके आगे बढ़ते हैं, उसके आगे हम देखते हैं क्या है उसमें, जो है कैलकुलेटर है आपका, उसके बाद जो है वॉइस रिकॉर्डर है, उसके बाद वीडियोस है, इसमें आप MP4 फाइल प्ले कर सकते हैं, ब्लूटूथ है, कैलेंडर है, और यहाँ पे देखें अभी फ्लैश लाइट भी है। सो आप इसे एप्लीकेशन के थ्रू भी ऑन कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू नहीं ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप दो बार ऊपर वाली बटन को प्रेस करना है और ये ऑन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद जो है फ्लैश लाइट के बाद जो है हमें मिलता है सिम सर्विसेज, उसके बाद सेटिंग है। यहाँ पे सेटिंग में बहुत सारी सेटिंग्स है, प्रोफाइल है, टोन, कॉल सेटिंग्स। सो ये बेसिक फ़ोन है, आप इसे कभी भी कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, और सबसे अच्छी बात है इसका बैटरी बैकअप जो कि 25 दिन तक स्टैंड बाय में रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।